सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है, मैं जो है कि जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड हूँ। और आप लोग जो मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं, इधर आप देख रहे हो कि 22-23 के बाद से ही मौसम में काफ़ी परिवर्तन होता चला जा रहा है। जहाँ पहले आप देखेंगे कि अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हीट वेव चल रहा था, लेकिन उसके बाद से मौसम में एकाएक काफ़ी परिवर्तन हो गया और एक कई साल बाद जो है अप्रैल का जो एवरेज टेम्परेचर है इतना कम आया है। अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं आया था। ये मानसून के लिए ही बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा। और मानसून का क्या है कि जब तक अप्रैल और मई का टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा तो आने वाला मानसून हमारा कमज़ोर होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये संभावना बन सकती है कि मानसून जल्दी आकर और फिर ज़्यादा दिन तक ब्रेक कर दे। तो इसलिए अप्रैल और मई का टेम्परेचर काफ़ी होना आवश्यक है। लेकिन इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में जो है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जा रहा है। ये हो क्यों रहा है कि इधर देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जो जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो भी जो है कि डोमिनेंट है, वो आ रहा है। और इधर अरबियन सी के ऊपर भी एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये क्या करता है कि ये मॉइस्चर जो है बेया बंगाल से जो है कॉन्टिनेंट की तरफ ला रहा है, इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ ला रहा है। और उधर जो है कि WD पश्चिमी विक्षोभ, उसके द्वारा भी मॉइस्चर आ रहे हैं। तो दोनों जो कंबाइन हो जा रहे हैं तो कन्वर्जेंस बहुत हाई हो जा रहा है। तो इस कन्वर्जेंस के कारण जो है देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट लेकर बरसात हो रही है। और ये मौसम जो है कि जहाँ तक संभावना अभी लग रही है कि 5 तारीख तक इस तरह के लुका छिपी जो बादलों का है वो चलता रहेगा। तो इसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 तारीख के या उसके बाद जो है 8 तारीख से हीट वेव के जो मीन्स के टेम्परेचर का बढ़ना जो है प्रारंभ हो सकता है। तो अभी तक लोगों को कभी इस मौसम से जो है जो ठंडा गर्मा और बरसात से कब तक उम्मीद है कि ये 8 मई के बाद जो है मिल जाएगी, अभी मौसम फिलहाल हाँ मौसम 5 तारीख तक तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 6 को थोड़ा सा होगा, लेकिन तभी कुछ बादल उधर की संभावना बनी रहेगी। 8 के बाद से आपको जो है कि काफ़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।